छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन यानी CGPSC, जिसका काम राज्य में विभिन्न विभागों की भर्तियां कराने के लिए होता है। इसमें से एक भर्ती राज्य सरकार के प्रशासनिक पदों पर बैठने वालों के लिए आयोजित कराई जाती है। CGPSC को आप ऐसे समझिए जैसे UPPCS, BPCS, MPPCS, राजस्थान में RAS, इस तरीके का ही एक है CGPSC। इसके तहत DSP, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर, एक्साइज सब इंस्पेक्टर जैसे अहम पदों के लिए भर्तियां होती हैं। CGPSC की एक ऐसी ही परीक्षा, एक ऐसी ही भर्ती में घोटाले का आरोप लग रहा है। परीक्षा में धांधली के आरोप लगाए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि 18 अभ्यर्थियों के सिलेक्शन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CGPSC के चेयरमैन तामन सिंह सोनवानी, ये नाम आज की डेट में छत्तीसगढ़ में बहुत ही चर्चित, विख्यात कहिए चाहे कुख्यात कहिए, चर्चा में बहुत है। चेयरमैन तामन सिंह सोनवानी, राजभवन सेक्रेटरी अमृत खलको समेत कई अधिकारियों के बेटे बेटियों और करीबी रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर और DSP जैसे अहम पदों पर नियुक्ति देने के आरोप लगे हैं। मामले को लेकर पूर्व BJP नेता ननकी राम कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में CGPSC परीक्षा का नोटिफिकेशन और उसके बाद जो रिजल्ट आया उस पर पूरे सवाल है। CGPSC परीक्षा का नोटिफिकेशन साल 2021 में जारी हुआ था। परीक्षा भर्ती जो हुई वो 171 लोगों के लिए हुई। परीक्षा का प्री एग्जाम 13 फरवरी 2022 को कराया गया जिसमें कुल 2,565 लोग पास हुए। इसके बाद आई मेंस एग्जाम की बारी। 26, 27, 28 और 29 मई 2022 को मेंस परीक्षा कराई गई इसमें जिसमें कुल 509 अभ्यर्थी पास हुए। इनको इंटरव्यू के लिए जब बुलाया गया जिसके बाद 11 मई 2023 को फाइनल रिजल्ट आया और उसमें 170 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ। अब बात कहां फंसी? भर्ती परीक्षा में कथित घोटाले की बात तब सामने आई जब 18 लोगों की लिस्ट जारी की गई। आरोप लगाए गए कि ये मेरिट लिस्ट में PSC चेयरमैन के रिश्तेदारों, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के करीबियों का सिलेक्शन हुआ है। प्रदेश के पूर्व BJP नेता ननकी राम कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती पर रोक लगाने की मांग की और इस पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की। ननकी राम ने एडवोकेट संजय अग्रवाल के जरिए हाईकोर्ट में दायर याचिका में PSC पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि PSC में अधिकारी और नेताओं के बेटे बेटियों सहित रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर DSP जैसे अहम पदों पर नियुक्त किया गया, वहीं होनहार बच्चों को दरकिनार कर दिया गया। अफसरों के रिश्तेदारों को अच्छे पद दे दिए गए जिसका असर ये हुआ कि अभ्यर्थियों जो काबिल लोग थे उन्हें निचले पद मिले, ऐसा उन्होंने आरोप याचिका के जरिए लगाया। याचिका में कहा गया कि साल 2020 की परीक्षा में सिलेक्ट हुए 3 अभ्यर्थियों का नाम 2021 वाली नियुक्ति में जोड़ दिए गए हैं। हाईकोर्ट में दायर याचिका में PSC के चेयरमैन तामन सिंह सोनवानी के 5 करीबियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया। इनकी लिस्ट सौंपी गई। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सोनवानी ने अपने परिवार, उनके करीबी रिश्तेदारों के बच्चों को डिप्टी कलेक्टर और DSP जैसे बड़े और ताकतवर पदों पर चुना गया, ये आरोप है। वहीं छत्तीसगढ़ के कुछ बड़े अधिकारियों के बच्चों को भी आबकारी श्रम विभाग में ऊंचे औहदों पर नियुक्त कर दिया गया। परीक्षा से जुड़े एक अभ्यर्थी अमीन ने आज तक से बात करते हुए बताया कि जब से तामन सिंह सोनवानी PSC के चेयरमैन बने हैं तब से PSC की कार्यप्रणाली में अनियमितता देखने को मिली है। कुछ विशेष वर्ग के लोगों के परीक्षा में ज्यादा नंबर आ रहे हैं जबकि परीक्षा साल दर साल कठिन होती जा रही है। अब ये पता करने वाली बात है कि लोग क्या खास पढ़ रहे हैं। याचिका में बताया गया कि आयोग के एक सचिव के रिश्तेदार को डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्ति दे दी गई है। वही राज्यपाल के एक सचिव की बेटा बेटी को भी डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। ये सब गंभीर आरोप हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की बेटी और कांग्रेस के एक नेता से जुड़े व्यक्ति के रिश्तेदार को भी डिप्टी कलेक्टर बनाया गया। अब ये सारे आरोप हैं। हो सकता है कि कुछ बच्चे अपने से भी परीक्षा पास की हो, मेहनत से पास की हो, लेकिन इस तरीके से जो बड़े बड़े लोगों के नाम और उनसे जुड़े लोगों के सिलेक्शन, सवाल तो गंभीर है और हाईकोर्ट ने भी इसे गंभीरता से लिया है। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता की बेटी को भी इस पद पर नियुक्त किए जाने का आरोप है। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूछा कि इस मामले में PSC के चेयरमैन को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की बेंच के सवाल के जवाब पर एडवोकेट संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि चेयरमैन का पद एक संवैधानिक पद है, इस कारण उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि PSC सहित दूसरी संस्था के में अधिकारी के बच्चों का चयन होना स्वाभाविक है, लेकिन PSC के चेयरमैन के करीबी रिश्तेदारों का चयन होना,
कुछ सवाल खड़े करता है। कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा। कोर्ट ने मामले की जांच कराने के निर्देश दिए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट में चयनित अभ्यर्थियों ने बताया कि भर्ती परीक्षा में 5 नियुक्तियां हो चुकी हैं, ऐसे में रोक लगाना सही नहीं है। इस पर कोर्ट ने 5 अभ्यर्थियों को छोड़ करके लिस्ट की नियुक्ति पर रोक लगा दी। अच्छा, यहां एक बात और सामने आई कि जिस नितेश सिंह को पीएससी चेयरमैन टामन सिंह का बेटा बताया गया, वो सरपंच रहे राजेश नाम के किसी शख्स का बेटा है। इसके साथ ही प्रज्ञा नायक नाम की अभ्यर्थी की तरफ से भी मामले में हस्तक्षेप आवेदन प्रस्तुत किया गया है। सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोपों पर छत्तीसगढ़ सरकार ने बताया कि कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है। उसने एक स्टेटमेंट जारी कर बताया कि पीएससी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। सरकार ने अपना पक्ष कोर्ट में रखा है। मामले की जांच कराई जाएगी, उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स पर आरोप लगे हैं उनकी नियुक्ति कोर्ट के अगले आदेश तक रोक दी जाएगी, ये क्लियर कर दिया है। वहीं जिन कैंडिडेट्स को नियुक्ति मिल गई है उनकी नियुक्ति कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगी। सरकार की तरफ से बताया गया कि कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई आने वाले हफ्तों में की जाएगी। कोर्ट ने राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन को याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने को कहा है। इतना ही नहीं, कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर मामले में कोई भी जानकारी तथ्यात्मक नहीं पाई गई, तो जो याचिकाकर्ता है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सीजीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में बीजेपी की तरफ से लगातार गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब तो सीबीआई जांच की भी मांग उठने लगी है। बीजेपी के महामंत्री ओपी चौधरी, जो खुद भी पूर्व आईएएस रह चुके हैं, परीक्षा की एक आंसर शीट सामने रखते हैं। कहते हैं परीक्षा में 8 अंकों का एक प्रश्न पूछा गया। प्रश्न था, 1857 की क्रांति में वीर हनुमान सिंह के योगदान से जुड़ा हुआ सवाल था। इस प्रश्न के उत्तर में एक अभ्यर्थी ने हनुमान सिंह की जगह वीर नारायण सिंह लिखा। इस पर अभ्यर्थी को 8 में से 5.5 नंबर दिए। वहीं जिस अभ्यर्थी ने वीर हनुमान सिंह के बारे में लिखा उसे सिर्फ 4 अंक दिए गए। चौधरी ने कहा कि इस तरह के आंसर शीट का मूल्यांकन एग्जामिनर, डिप्टी हेड एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर तीनों स्तर पर होता है। तीनों में एक ही तरह के नंबर दिए गए। चौधरी ने इस बात पर सवाल उठाते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो आंसर शीट ठीक से जांच नहीं की गई उसकी, या तो लापरवाही की गई। परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि ये राज्य सरकार के गाल पर जोरदार तमाचा है। राज्य का युवा और बीजेपी इस धांधली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इसकी जांच के आदेश नहीं दिए। उन्होंने कहा, कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है, जबकि सरकार कह रही है कि हमने कोर्ट के आदेश के बाद जांच के आदेश दे दिए। लेकिन अभी आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ महीनों बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने, ऐसे में युवाओं के बीच ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी लगातार हमलावर है, कांग्रेस की सरकार बैकफुट पर जाकर जांच कराने को मजबूर है। जांच में क्या सामने आता है, हाईकोर्ट और क्या इस पर कहता है, उसका आदेश क्या होता है, फैसला क्या होता है, वो भी हम आप तक पल पल की अपडेट पहुँचाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि ग्राउंड पर जा करके हम जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, उनसे बातचीत करें। अगर आप उनमें से कोई छात्र छात्राएं हैं तो आप अपना नंबर या फिर अपना जहां पे आप मिल सकते हैं उसको भी कमेंट करके ज़रूर बता दें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। मेरा नाम है अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं मेरे दोस्त जतिन, और आपके लिए ये खबर लिखी हमारे साथी प्रशांत सिंह ने। इतने लोगों की टीम और भी बहुत सारे लोगों की टीम लगती है तब जाकर इस तरह की खबरें आप तक पहुंचती हैं। कैसी लगी आपको ये खबर कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।